चालू कर, चालू स्टार्ट कर। वेलकम टू कुंडवा टाइम्स पुणे, दिस इज राहिल योर होस्ट हियर। तो आज हम है हिलमिस सोसाइटी के पास, जहाँ पे फ्लड रिलीफ का एक कैंप रखा हुआ है। तो यहाँ पे कौसरबाग ग्रुप, हिलमिस ग्रुप और हिंद सोशल फाउंडेशन के तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पे आप ज़रूरत का सामान, जो भी खाना हो गया और बाकी के कपड़े हो गए, ये सब चीज़ें आप डोनेट कर सकते हो यहाँ पे आके। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम अपडेट करेंगे इस पोस्ट पर। और कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ सामान आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी आपको इमरान तांबुली जी बताएंगे इस चीज़ के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कौसरबाग एरिया, कोंडवा, पूरे कोंडवा इलाके में बहुत ही अच्छी तरह से एक फाउंडेशन, दो तीन फाउंडेशन मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम चल रहा है उनका रिलीफ फंड के लिए। जो भी पूरग्रस्त जो वहाँ पे रत्नागिरी वगैरह, कोल्हापुर, सांगली में जो भी हुआ है, अभी सब आपके सामने ही है। तो हिंद सोशल फाउंडेशन, हिलमिस ग्रुप और कौसरबाग सोशल फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पे जो भी जमा किया जा रहा है सामान वगैरह, तो यहाँ पे अभी कुछ आए हुए गेस्ट अपन देख सकते हो कि सामान देने के लिए, बहुत ही बड़ी बात है ये। माशाल्लाह अच्छे तादाद में लोग यहाँ पे शिरकत होके सामान वगैरह दे रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी इनसे थोड़ी मुलाकात लेंगे और पूछेंगे इनको कि अब क्या क्या यहाँ पे, यानी आपका नाम जैन सैयद। तो आप क्या देने के लिए आए, नहीं क्या ऐसा? ये हर घर में हर चीज़ जो थी, कपड़े से लेके बर्तन वगैरह हर चीज़ हमने लिया है, ब्लैंकेट्स वगैरह। रिलीफ फंड जो अभी उधर जा रहा है वो रिलीफ फंड उसके लिए, यानी तुम आगे आए कि बाबा कुछ मैं मदद करूँ। जरूर। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या तुम्हारी सोच है देने के पीछे? लोगों को मदद करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज वहाँ पे जो फ्लड्स आए उसके लिए। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि ये इन्होंने यहाँ पे कुछ सामान लेके आए हुए हैं। ये जो सामान है वो यहाँ पे ये देने के लिए आए कौसरबाग में, बहुत ही अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे इनको। और अभी यहाँ पे कुछ यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं जो पूरग्रस्त के लिए मदद कर रहे हैं, उनसे अपन थोड़ी सी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि अब कहाँ तक इनका काम काज आया हुआ है। देख सकते हो लोग मदद खुद ला ला कर दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। आइए अभी अपन देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग जमे हुए, कार्यकर्ता भी जमे हुए। बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम इन्होंने किया है। अभी अपन बात करने जा रहे हैं कौसरबाग सोशल फाउंडेशन के फैज़ अहमद साहब से, उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और थोड़ा जायज़ा लेंगे कि कैसा काम यहाँ पे चल रहा है रिलीफ फंड के बारे में। फैज़ अहमद साहब, क्या बताना चाहेंगे आप कि यहाँ पे काम चालू है कौसरबाग में और बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो आप अपील करना चाहेंगे लोगों को, क्या यानी कैसा चल रहा है, आप जरा डिटेल में बताइए। अभी जैसे सारे लोग जानते हैं, दुनिया का हर फर्द वाकिफ़ है कि पिछले 1.5 साल से कई आफतों में पूरी दुनिया मुब्तला है। और वैसे भी एक वबा हमसे अभी पूरी नहीं हुई, दूसरी सैलाब ज़दगान है, ये है वो है। तो हम जो पुणे के कौसरबाग इलाके में रहते हैं, तो हमारे कौसरबाग में हिंद सोशल फाउंडेशन, जो कि ज़हीर भाई हमारे बहुत पुराने हैं, वो भी काम कर रहे हैं, जिनकी काफ़ी बड़ी टीम है और ग्रुप भी है, हिलमिस ग्रुप भी है और कौसरबाग सोशल फाउंडेशन का ग्रुप है, जो कि तीनों ने मिलकर ये तय किया कि अपनों इस परेशानी के आलम में हमें चाहिए कि हमको लोगों की खिदमत का जज्बा बढ़ाए और लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में हम हिंदुस्तानियों का साथ दें और हमारे तरफ से जो भी खिदमत हो सके, कपड़े के एतबार से, खाने के एतबार से, हर एतबार से हम उनकी मदद करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हमने जो लिया था, बेड़ा हाथ में लिया था, अल्लाह का एहसान है कि हमको लोग हर तरह से खिदमत का मौका दे रहे हैं। काफ़ी तादाद में कपड़े लत्ते और अनाज, पानी के कई बक्से आ चुके हैं। इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द ये राहत का काम सैलाब जदगान के घर जाकर पहुंचाएंगे और उनको ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां पर लोगों को अब तक सामान ना पहुंचा हो, क्योंकि हमने भी काफ़ी तहकीक करने के बाद, एक ऐसा हो रहा है आजकल कि एक ही जगह माल जा रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, मगर इसके बावजूद हमने वहां से तहकीक करके ऐसी ऐसी जगह लिया है जहाँ पर ज़रूरतमंदों को सामान दिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम कौसरबाग सोशल फाउंडेशन के जो फाउंडर है उनसे अपन बात करेंगे, मोहम्मद अनस जी, देखेंगे वो क्या, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम।
ये जो हमने इनिशिएटिव लिए है, सबसे पहली बात बेसिक ये है कि हर मज़हब का ये है कि आज के तारीख में वक्त और माहौल इतना मुश्किल चल रहा है और हमारी कौम जो असल क्वालिटी से भूल गई है एक दूसरे की मदद करना। तो हम लोगों ने ये पहल उठाया है कि हम लोग को हर इंसान ने पूरे मुल्क में पूरे दुनिया में आज आलमी तौर पर मुश्किल चल रही है, तो हम लोग का कोशिश होना चाहिए कि हमने बेसिक से चालू करो और मिल के काम करो कि हर एक का फ़र्ज़ बनता कुछ ना कुछ सोशल वर्क अपने तरफ से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता। कभी हम आ नहीं सकते, ताउन करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिस्पॉन्स हमको इतना अच्छा मिला कि आप देख सकते हैं पीछे सामान काफ़ी अच्छा जम गया है और इससे ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट संडे हम लोग जा भी रहे हैं वहाँ पर फिजिकली और प्रॉपर प्लान करके जा रहे हैं कि हमारे नेटवर्क के थ्रू अच्छे से सिस्टमेटिक काम भी करना है प्रोफेशनल लेवल पर। और मेरी खास सबसे गुजारिश रहेगी कि हर इंसान ने अपने तरफ से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लोग हमारे लिटरली सोए हैं, इसलिए हम आज इस तकलीफ़ में हैं। तो वक्त अभी 2-3 साल और ख़राब चलने वाला है, तो हर एक को ये है कि कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ताउन करे। थैंक यू। अभी हम बात करेंगे निसार भाई से, देखेंगे उनका क्या कहना है इस मामले में। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ पे तीनों तंजीम जो एक जगह आई है और तीनों जन जामे होकर जो काम कर रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है। मैं तीनों तंजीमों को मुबारकबाद देता हूँ कि और ऐसे आगे जो भी काम रहेंगे, 4 तंजीमें हो जाए, 5 तंजीमें हो जाएंगे पूरे इलाके में, हमारा NIBM से लेकर कौसर बाग तक जितनी भी छोटे मोटे तंजीम रहेंगे, बड़े तंजीम रहेंगे, सब लोग मिलकर अगर ऐसा इकट्ठा काम करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मदद सही लोगों तक पहुँच जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से 150 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तीनों तंजीमों के। मैं सबको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और इस काम को अच्छे से अच्छा करने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। उसके बाद हिलमेज ग्रुप के हमारे हाजी ज़हीर भाई शेख, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला हम लोग ने 2019 में भी जब सांगली का जो बाढ़ हो गया था, 17 सांगली, उसमें भी हम लोग ने काफ़ी मदद किए थे। तो ये बार भी ऐसा डिसाइड हो गया कि तीनों तंजीम मिलकर ये काम करेंगे और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया पब्लिक का करना चाहता हूँ कि वो लोग ने होके हमको अच्छा सपोर्ट दिया, कम टाइम में अच्छा सपोर्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सामान आया है, इसमें पानी है, घी है, चावल है, राइस है, हर चीज़ जो ज़रूरत लग रही है वहाँ के पब्लिक को, तो उसमें सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग ने बहुत अच्छे सपोर्ट किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ऐसा ही काम हमारे से कराते रहे। मैं दोबारा ख़त्म करता हूँ। बहुत अच्छा काम यहाँ पे सोशल फाउंडेशन की जानिब से चल रहा है। उसके बाद अपन हिल सोशल फाउंडेशन के राजू भाई तांबोली से बात करेंगे, देखेंगे उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे अब लगभग हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं फाउंडेशन की तरफ से और ज़्यादा तादाद में हमने गरीब लोगों की बहुत सारे मतलब जो गरीब को घर दिलाना या शादी में मदद करना और यहाँ पे लगभग हम एडमिशन जो होता है लगभग 10-12 शादी 15 शादी उसकी भी कोशिश कर रहे हैं और गए साल किए थे लेकिन ये हालात की वजह से हम कर ना पाए। इंशाल्लाह आते साल हम वो काम भी लेंगे जो अधिवेशन कहते 20-25 शादियाँ कराने जाते हैं तो गरीब छोटी लोगों की शादी उसमें दहेज भी देखे हम वो शादी भी करना चाहते हैं। ऐसे अभी ये ख़त्म होने के बाद ये हम हिंद फाउंडेशन और लगभग जो भी काम करते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत सारा काम किए, मस्जिदों का काम किया है, मौजन के घर देने का काम किया है उन्होंने और लगभग बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे कैंप भरा रहे और बच्चों के एजुकेशन में भी हम तालीम के लिए काम कर रहे हैं और यानी इंशाल्लाह हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं और आवाम का हमें साथ चाहिए, यहाँ के आवाम का हमें साथ चाहिए। इंशाल्लाह बहुत सारा काम लेंगे और करेंगे, आप सबकी सोच भी हमारे साथ है और मदद भी साथ है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ हर तरह से आप हमें मदद कीजिए, शुक्रिया जज़ाकल्ला। इसमें ये काम करने में हमारे पूरे भाई लोग हैं, इसमें जैसा निसार भाई हो, फयाज भाई, सिराज भाई, एजाज भाई, याकूब भाई, फिरोज भाई, रियाज भाई, नईम भाई, ये हमारे पूरी एंटायर टीम है और हमारे फिर जैसा बोलो जावेद हो, महराज है, सैफ है, आयान है, समीर है, आनम है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ये लोग हमारे को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे बच्चे लोग का पूरा ग्रुप है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह हम लोग इससे अच्छा काम करेंगे। तो आप देख सकते हो ये सब मिल के यहाँ पे पूरे मिलजुल के यहाँ पे लगे हुए हैं इस काम के मामले में, क्योंकि ये जो काम है
ये रिलीफ फंड का काम है, ये किसी के घर का पर्सनल ऐसा कुछ नहीं है, और अल्लाह इनको और जजाए खैर दे। और एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा इनको, फैज़ अहमद साहब को, कि अभी आप जो रिलीफ फंड जमा कर रहे हो, तो आपने वहाँ पे जहाँ पे पूरग्रस्त पानी वगैरह जहाँ पे घुसा हुआ है वहाँ पे किसी से कांटेक्ट किया है, वहाँ पे आपको कुछ मालूम है कि वहाँ पे इसकी ज़रूरत है वगैरह? बिल्कुल किया है, हमारे रसूख अल्लाह का करम है, सब जगह से मौजूद है, और हमारे कौसर बाग में हर जगह के लोग मौजूद है, और यहाँ से जानकार भी मौजूद है कि किधर क्या मामला है। हम लोग बाकायदा मोबाइल से एक दूसरे के कंसल्ट में है, और हम पूरा प्लान बनाकर पूरा तरतीब बनाकर इंशाल्लाह वहाँ ज़रूरतमंद हजरात तक पहुँचेंगे। जरूर। तो अभी जरा जितने भी हमारे व्यूवर्स वगैरह है या कोंडवा वासी जितने भी है, उनको आप ये बताइए कि आपका टाइमिंग क्या है और कितने बजे तक आपका खुला रहेगा ये सब, और एड्रेस भी पूरा बताइए। वैसे सुबह दस से ग्यारह रात को 11 बजे तक हमारे लोग मुस्तकिल रहते हैं, और हम अगर कोई रह भी रहा तो कोई ना कोई यहाँ मौजूद रहता है, और आते इटवा शनिचर तक ये बाकायदा ये सिलसिला चलता रहेगा, और इंशाल्लाह हम शनिचर को ही निकल के इतवार को डिस्ट्रीब्यूट करने का इरादा रखते हैं। और हमारे पास अल्लाह का एहसान है कि लोग बहुत दिल से और मोहब्बत से काम कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये मोहब्बत और खिदमत का काम जारी रहे। जैसा कि हदीस में भी है कि खैरुन्नास मन यन्फ़ुन्नास, के लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए, हम इस पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। एड्रेस हिलमिस गार्डन कौसर बाग, ये दोनों NIBM दोनों बाजू में एक दूसरे के करीब है। कौसर बाग की कोई तारीफ का सवाल ही नहीं आता, कि कौसर बाग सब लोग जानते हैं कि कौसर बाग काफ़ी बड़ा इलाका है, और हिलमिस गार्डन हिलमिस हारमनी गेट नंबर 2 के पास हमारा पिंडॉल लगा है। जिन हजरात को खिदमत करना है, जिन लोगों को लोगों की खिदमत में अपनी जो भी चीज़ें देनी है, वो यहाँ सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक आकर अपनी चीज़ें अशिया जमा कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये ज़रूरतमंद तक पहुँचाई जाएगी, बिल्कुल पहुँचाई जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कोंडवा टाइम्स के यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबको अपील करना चाहूँगा, और कोंडवा वासियों को भी यहाँ पे मैं अपील करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने काम किया हुआ है, और आप भी ये सब आगे बढ़ के मदद कीजिए। ये रिलीफ फंड जो है अगले शनिचर तक यहाँ पर रहेगा, अगर आपको सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर किसी को भी कुछ देना है, कुछ मदद करनी है, कौन सी भी कितनी भी हो, जितनी भी अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी करना है, आप बेधड़क यहाँ पर आके मदद कर सकते हैं। मदद की अपील इन्होंने यहाँ पर की है, और एड्रेस वगैरह भी हमने नीचे पोस्ट किए हुए हैं, अगर आप देखना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एड्रेस वगैरह हमने इधर पोस्ट किए हैं। और उसी तरह मैं यहाँ पे जो काम करने वाले नौजवान बच्चे और ये सब लोग का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हिंद सोशल फाउंडेशन, हिलमिश ग्रुप, कौसरबाग सोशल फाउंडेशन, ये सब का मैं तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूँ। बहुत ही अच्छा काम इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है कोंडवा में, और अल्लाह उनको और जजाए खैर दे। इतना ही बोल के मैं रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।